जीने का उसको भी अधिकार, चाहिए उसे थोड़ा सा प्यार। जन्म से पहले ना उसे मारो, कभी तो अपने मन में विचारो, शायद वही बन जाए सहारा, डूबते को मिल जाए किनारा। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज 24 जनवरी है और आज का दिन हम सब के लिए खास और ये कहिए कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज बालिका शिशु के लिए राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। देश में लड़कियों के लिए ज़्यादा समर्थन और नए मौके देने के लिए इस उत्सव की शुरुआत की गई। समाज में बालिका शिशु के द्वारा सभी असमानताओं का सामना करने के बारे में लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। बालिका शिशु के साथ भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ी समस्या है जो कई क्षेत्रों में फैला है, जैसे शिक्षा में असमानता, पोषण, कानूनी कमी, कानूनी अधिकार, चिकित्सक देखरेख, सुरक्षा, सम्मान, बाल विवाह आदि। भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका विकास मिशन के रूप में राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाने की शुरुआत हुई। लड़कियों की उन्नति के महत्व के बारे में पूरे देश के लोगों के बीच ये मिशन जागरूकता को बढ़ाता है। यह दूसरे सामुदायिक सदस्यों और माता पिता के प्रभावकारी समर्थन के द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में लड़कियों के सार्थक योगदान को बढ़ाता है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज जैसे कि आप सब अब जानते ही हैं कि आज राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस है यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, जो हर साल 24 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, किस दिन से इसकी शुरुआत हुई थी, सामाजिक लोगों के बीच उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और समाज में लड़कियों की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव और शोषण को समाज से पूरी तरह से हटाया जाए, जिसका हर रोज़ लड़की अपने जीवन में सामना करती है। समाज में लड़कियों के अधिकारों की ज़रूरत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सम्मान, शिक्षा और मौलिक आज़ादी के बारे में विभिन्न राजनीति और सामुदायिक नेता जनता में भाषण देते हैं। लड़कियों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वे सशक्त, सुरक्षित और बेहतर माहौल प्राप्त करें। उन्हें जीवन की हर सच्चाई और कानूनी अधिकारों से अवगत होना चाहिए। उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उनके पास अच्छी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार है। जीवन में अपने उचित अधिकार और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें बहुत अच्छे से कानून सहित घरेलू हिंसा की धारा 2009, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2009, दहेज रोकथाम एक्ट 2006 आदि से अवगत होना चाहिए। हमारे देश में महिला साक्षरता यानी लिटरेसी रेट अभी भी 53.87% है और युवा लड़कियों का एक तिहाई कुपोषित है। स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और समाज में लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी के कारण विभिन्न दूसरी बीमारियां और रक्त की कमी से प्रजननीय उम्र समूह की महिलाएं पीड़ित हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा बालिका शिशु की स्थिति को सुधार में लाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। समाज में बालिका शिशु के लिए नए मौके देता है और लोगों की चेतना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कार्य के रूप में इसे मनाया जाता है। भारतीय समाज के बालिका शिशुओं के द्वारा सामना किए जा रहे असमानता को हटाना, ये सुनिश्चित किए जाने की भारतीय समाज में हर बालिका शिशु को उचित सम्मान और महत्व दिया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जाए कि हर देश में बालिका शिशु को उसी सभी मानव अधिकार मिले। भारत में बाल लिंग अनुपात के खिलाफ कार्य करना और बालिका शिशु के बारे में लोगों का दिमाग बदलना है। बालिका शिशु के महत्व और भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के द्वारा बालिका शिशु की ओर दंपति को शुरुआत करनी चाहिए। उनके शिक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य, पोषण आदि से जुड़े मुद्दों में बारे में चर्चा करना। भारत में लोगों के बीच लिंग समानता को प्रचारित करना। अब हम जानते हैं कि भारत में बालिका शिशु के क्या अधिकार है।
बालिका शिशु की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न घोषणा के द्वारा भारतीय सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। उसमें से कुछ इस प्रकार हैं, गर्भावस्था में क्लिनिकों के द्वारा लिंग पता करने के सरकार द्वारा गैर कानूनी करार दिया गया है, बाल विवाह निषेध है। तीसरा, कुपोषण, अशिक्षा, गरीबी और समाज में शिशु मृत्यु दर से लड़ने के लिए सभी गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व देखरेख को जरूरी बना दिया है। चौथा, बालिका शिशु को बचाने के लिए सरकार द्वारा बालिका शिशु को बचाओ योजना की शुरुआत की गई है। पांचवा, मुफ्त और आवश्यक प्राथमिक स्कूल के द्वारा भारत में बालिका शिशु शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। छठवा, भारत में बालिका शिशु की स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं के लिए स्थानीय सरकार में एक तिहाई सीट भारतीय सरकार ने आरक्षित रखी है। सातवां, महिलाओं की स्थिति और रोजगार के मौकों को बढ़ाने के लिए कानून द्वारा MTV विरोधी, सती कानून विरोधी और दहेज विरोधी एक्ट भी लाया गया है। आठवां, देश के पिछड़े राज्यों में शिक्षा की स्थिति की ओर ध्यान दिलाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को भी लागू किया है। नवा, स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म, दोपहर का खाना, शैक्षणिक वस्तु दी जाती है तथा SC और ST जाति के लड़कियों के लिए परिवार को धन वापसी किया जाता है। दसवा, प्राथमिक स्कूल को जाना और छोटी बच्चियों का ध्यान रखने के लिए बलवड़ी कम पालना घर को लागू कर दिया गया है। स्कूल सर्विस को उन्नत बनाने और शिक्षकों की शिक्षा के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सहित दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पिछड़े इलाकों की लड़कियों की आसानी के लिए मुक्त शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की गई है। बालिका शिशु के लिए ये घोषित किया गया है कि उनके लिए मौकों को और बढ़ाने के लिए लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार और मौके दिए जाने चाहिए। अंतिम, ग्रामीण इलाकों की लड़कियों के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए मुख्य नीति के रूप में सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह को भी आरंभ किया गया है। इसकी शुरुआत सन 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की थी। इस दिन को मनाने के उद्देश्य देश की महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति जागरूक करना है। 2008 से ये दिन पूरे देश में मनाए जाने लगा और तभी से हर साल 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाते हैं। सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है, कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। तो पाओ को जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ, जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी जमीन है तेरा आसमान। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों जमाना। ज्योत से ज्योत जला के, आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तू जाए आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी वोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए। गिव गर्ल्स द विंग्स टू फ्लाई, नॉट द पेन टू क्राई एंड डाई।
लेकिन आज आधुनिक भारत की तस्वीर शायद अब बदल रही है, जिसका पहला सबसे बड़ा उदाहरण आज हरिद्वार की एक 19 साल की बालिका सृष्टि गोस्वामी, जिसे उत्तराखंड सरकार ने एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री घोषित किया है। सृष्टि बतौर बाल विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत है। दूसरा, आप देख सकते हैं अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, अमेरिका की पहली अश्वेत महिला और सबसे पहली वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों के सामने है लेफ्टिनेंट भावना कंठ, जो भारत की पहली महिला फाइटर बनेंगी जो इस गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगी बतौर पायलट। एक और उदाहरण शिवांगी सिंह, द फर्स्ट वुमेन सेट टू फ्लाई रफाल फाइटर जेट। ऐसे भारत में और विश्व में कई उदाहरण है, फिर चाहे वो राजनीतिक पर